हेलो एवरीवन, वेलकम टू बेस्ट यूट्यूब चैनल। सो आज का जो टॉपिक है वो ट्यूटोरियल है WPS ऑफिस पार्ट 2 का। सो मैं अब आगे इसके जितने भी फीचर हैं एक साथ पूरे एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। मैं चाहता हूं कि जल्द से जल्द ये पूरा सीरीज़ ख़त्म हो जाए, इसलिए मैंने कोशिश करूंगा कि 20 मिनट के अंदर अंदर आपको सारे फीचर इसके एक्सप्लेन कर दूँ। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए जल्द से जल्द इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए हम इसके अगले फीचर यानी कि इंसर्ट टैब के बारे में बात करते हैं। तो ये भी तकरीबन वैसा ही है जैसे होम टैब था, उसमें कुछ और इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है, कुछ चीज़ें नहीं है, तो मैं उनके बारे में बात करूँगा। ये न्यू स्लाइड है जिसके बारे में मैंने पिछली वीडियो में बता दिया था। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, तो प्लीज़ उस वीडियो को भी देख लीजिए। ये पिक्चर का भी मैंने बता दिया था। अब बात करते हैं स्क्रीन ग्रैब। स्क्रीन ग्रैब क्या होता है, चलिए मैं आपको लाइव करके दिखाता हूँ। स्क्रीन ग्रैब ऐसे एक चीज़ है जिसकी हेल्प से आप अपने पीसी की स्क्रीन को कैप्चर करके इस स्लाइड में प्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे कि मैं आप दिखाने जा रहा हूँ। यहाँ पर जैसे ही मैं टिक करूँगा ये वैसे ही ये देखिए शो होगा। सो यहाँ से आप इसके इंसर्ट न्यू पिक्चर कर सकते, कंप्रेस कर सकते, क्रॉप कर सकते, और भी बहुत से इसमें एडिटिंग के फीचर दिए हुए हैं पिक्चर के। सो मैं अब अगले फंक्शन के बारे में बताता हूँ, जैसे कि शेप मैंने पिछले बार भी बता दिया था। इंसर्ट चार्ट, इससे आप कोई भी न्यू चार्ट ये देखिए बहुत से डिफरेंट स्टाइल्स में मिल जाएंगे, तो यहाँ से आप ईज़िली न्यू चार्ट इंसर्ट कर सकते हो। सो अगले हम स्टेप पर आ जाते हैं टेबल। टेबल कैसे बनाते हैं ये मैं आपको एग्जांपल बताकर दिखा देता हूँ। ये देखिए जैसे मैंने उसमें जितने नंबर के टेबल सेलेक्ट किए ये वैसे ही टेबल बन गया। तो मैं इसको दोबारा डिलीट करके आपको दोबारा दिखा देता हूँ। ये देखिए यहाँ पर जो डार्क कलर में कन्वर्ट होते जा रहे हैं यानी कि 9:10 रेशो के टेबल बनेंगे। अगर और भी टेबल इंसर्ट करना चाहते हो तो यहाँ पर आप क्लिक करके जितने नंबर ऑफ रोज़ जितने कॉलम सेलेक्ट करने हैं यहाँ पर सेलेक्ट करके इजीली इंसर्ट कर सकते हो। सो अब बात करते हैं वर्ड आर्ट की। मैंने पिछली वीडियो में बता दिया था पर फिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए यहाँ पर बहुत से डिफरेंट वर्ड आर्ट स्टाइल दिए हुए हैं। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पर टेक्स्ट लिख सकते हैं कोई भी, उसका साइज़ यहाँ से इंक्रीज़ कर सकते हैं, यहाँ से स्टाइल चेंज कर सकते हैं, यहाँ से कलर बोल्ड इटैलिक सब कुछ कर सकते हैं। सुपर, अब मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। सॉरी, प्रिंट प्रीव्यू खुल गया। यहाँ से आप सिंबल को इंसर्ट कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर बहुत से सिंबल दिए हुए हैं, यहाँ पर और भी सिंबल डाउनलोड देख सकते हैं। यहाँ से आप इक्वेशन इंसर्ट कर सकते हैं जो मैथ की इक्वेशन होती है। और अब बात करते हैं नेक्स्ट फीचर यानी कि हेडर और फुटर के बारे में। हेडर होता है जैसे हेड को सिर कहा जाता है वैसे ही पेज का हेडर होता है, यानी कि ये जो सबसे ऊपर वाला हिस्सा है पेज का ये वाला हिस्सा इसको हेडर कहते हैं, और जो नीचे वाला हिस्सा है उसको फुटर कहते हैं। तो अगर कोई चीज़ हमने जैसे स्लाइड में इंसर्ट करनी है एज ए नोट जैसे पेज नंबर वगैरह, तो यहाँ से आप इजीली इंसर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर स्लाइड नंबर ये फुटर है यानी फुट नोट बना सकते हैं। ये देखिए हेडर और फुटर यहाँ पर लिख कर ईजिली यहाँ पर अप्लाई टू ऑल करके इंसर्ट कर सकते हैं। सो अब बात कर लेते हैं अगले फीचर यानी ये स्लाइड नंबर। यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ पर स्लाइड नंबर आप सिलेक्ट करके ईज़िली पेज नंबर भी डाल सकते हैं और अप्लाई टू ऑल करके सबमिट डल जाएगा। सेम इसी तरह डेट एंड टाइम है। अब बात करते हैं और न्यू ऑब्जेक्ट की यानी हम इसमें ऑब्जेक्ट कैसे इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे ही हम क्लिक करेंगे यहाँ पर आप कोई भी ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करके ओके पर क्लिक कर दीजिए, जैसे मैंने बिटमैप इमेज पर किया हुआ है। अब मैं यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट है, पेंट प्रोग्राम खुल गया। अब मैंने यहाँ पर जैसे ये बना दिया है, अब मैं इसको क्लोज़ कर दूँगा। ये देखिए अपने आप क्रिएट होकर आ गया है। तो आप इसे भी स्लाइड में यूज़ कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं अगले फंक्शन की यानी कि फाइल ऑब्जेक्ट की। फाइल ऑब्जेक्ट में आप कोई भी
फाइल ऑब्जेक्ट में आप कोई भी जैसे कि फाइल लगा देंगे तो वो भी इसमें स्लाइड में शो हो जाएगी। जैसे कि मैंने सेलेक्ट कर लिया, ये देखिए आ गई है। अब मैं इस पर अगर डबल क्लिक करूँ तो ये फाइल भी ओपन हो जाएगी और आप इसे स्लाइड शो में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं आपको नेक्स्ट फीचर के बारे में बताऊंगा, यानी कि म्यूज़िक, यानी कि साउंड। आप स्लाइड में कैसे साउंड लगा सकते हैं, जैसे मैंने इस पर क्लिक किया इंसर्ट के साउंड पर, मैंने कंप्यूटर पर गया, MP3 म्यूज़िक, इसको ओपन किया। जैसे ही किया ऑटोमेटिक। अब मैं आपको इसको प्ले करके दिखा देता हूँ कैसे चलता है। ये देखिए बैकग्राउंड म्यूजिक भी चल रहा है। तो मैं अब इसको यहाँ से ये देखिए बंद भी कर सकता हूँ। सो ये थी एग्जांपल म्यूज़िक की। अब चाहे आप बैकग्राउंड की म्यूज़िक लगा सकते हैं, यानी साउंड की हेल्प से आप अपना म्यूज़िक जो वीडियो क्लिप में आप डालना चाहें रिकॉर्ड करके वो भी डाल सकते हैं। इससे आप म्यूज़िक लगाएंगे, इससे आप मूवी डाल सकते हैं फ्लैश पे, मतलब ये चारों के चारों फीचर्स सेम है। तो अब बात करते हैं डिज़ाइन की। डिज़ाइन यानी कि जो आप डिज़ाइन स्लाइड में देना चाहते हैं, यहाँ से आप इम्पोर्ट टेम्पलेट्स, यानी आपने अगर कोई न्यू टेम्पलेट डाउनलोड करके रखी है तो यहाँ से आप दोनों फीचर में से कोई भी सिलेक्ट करके आप इन्वॉल्व कर सकते हो। आप यहाँ से डिज़ाइन अपना खुद का सिलेक्ट कर सकते हो, जैसे मैंने कि ये सिलेक्ट कर लिया तो ये देखिए ऐड हो गया। तो और भी यहाँ पर ऑप्शन है, आप जो भी सिलेक्ट करना चाहे हो वो कर सकते हो। सो अब मैं इसके अगले फीचर के बारे में बताता हूँ। यहाँ से आप बैकग्राउंड चेंज कर सकते हो, बैकग्राउंड की इमेज चेंज कर सकते हो। ये देखिए जैसे कि ये कलर है, यहाँ से मैंने ये कर दिया तो ये कलर भी चेंज हो जाएगा। ये ग्रेडियंट फिल है, यहाँ पर आप ये देखिए बहुत से एंगल, कलर, पोजीशन, ब्राइटनेस यहाँ से आप इजीली चेंज कर सकते हो। ये टेक्सचर इफेक्ट, यहाँ पे आप नंबर ऑफ बहुत सारे टेक्सचर इफेक्ट मिल जाएंगे ये देखिए। उसके अलावा यहाँ पर आप कोई पिक्चर भी इंसर्ट कर सकते हैं और यहाँ पर रेशियो भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर पैटर्न फिल है, यहाँ पर बहुत सारे पैटर्न मिल जाएंगे और इन दोनों के कलर कॉम्बो यहाँ से कॉम्बिनेशन बनाकर आप इजीली इसमें स्लाइड में इंसर्ट कर सकते हैं। सो अगर आप हाइड करना चाहते हो तो ऐसे यहाँ पर क्लिक कर दीजिए, जैसे कि यहाँ पर ये डिज़ाइन था तो वो हाइड हो जाएगा। तो मैं इसको अभी के लिए क्लोज कर देता हूँ। अब बात करते हैं अगले ऑप्शन यानी कलर स्कीम्स की। यहाँ बहुत सारी कलर स्कीम है, जो आप सेलेक्ट कर लेंगे वो इफ़ेक्ट शुरू हो जाएगा। जैसे कि मैंने वो सेलेक्ट किया तो ये शुरू हो, तो ये वाला कलर इफेक्ट मिलेगा अगर मैं फैन जैसे कि ये। सो इसी तरह आप बहुत सारे यहाँ पर दिए हुए हैं, जैसे मैंने पेपर का इफेक्ट सेलेक्ट किया तो ये हो जाएगा। तो यहाँ पर बहुत सारी ऑप्शन है कलर स्कीम में, जो आपको पसंद आती है वो आप सेलेक्ट करके इजीली अप्लाई कर सकते हैं। अब मैं बात कर लेता हूँ इसके लेआउट में, यानी कि आपको ये पता ही है फीचर, जैसे कि मैंने पिछली बार पिछले वीडियो में बताया था। तो यहाँ से आप इसको रीसेट कर सकते हैं। यह है एडिट स्लाइड मास्टर, जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा ये मास्टर स्लाइड शुरू हो जाएगी। ये देखिए इसका अलग से टैब भी खुल जाएगा और यहाँ से आप न्यू स्लाइड ऐड कर सकते हो, न्यू स्लाइड लेआउट, यहाँ से थीम सेलेक्ट कर सकते हो। ये जो स्लाइड मास्टर है, इसकी हेल्प से आप प्रोफेशनल तौर पर अपने खुद की प्रेजेंटेशन बना सकते हो। इसमें बाय डिफ़ॉल्ट आपको ये देखिए अलग अलग स्लाइड दे दी जाएगी। सॉरी। सो आपको जो अच्छा लगेगा, जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ऐड हो जाएगा ये। आप इसलिए ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, यानी मास्टर इन प्रेजेंटेशन के लिए, इसीलिए इसको मास्टर स्लाइड कहा जाता है। सो अब अगले फीचर पे आ जाते हैं, ये पेज सेटअप। यहाँ से आप पेज की सेटिंग कर सकते हैं। ये देखिए A4 साइज़ का सेटअप ऑलरेडी है, जो कि प्रिंटिंग के लिए बेटर माना जाता है। तो यहाँ पर ओके करके आप अप्लाई कर सकते हैं। सॉरी। ये स्लाइड साइज़, यहाँ पर आप जो कोई भी रेशियो सेलेक्ट करेंगे उसके अकॉर्डिंग स्लाइड साइज चेंज हो जाएगा।
ये प्रेजेंटेशन टूल रिप्लेस फॉन्ट और भी जो कस्टम टेक्स्ट बल्क, मैंने ऑलमोस्ट ये सब फीचर आपको बता दिए। इंसर्ट पिक्चर इन मल्टीपल स्लाइड, यहीं से आप ऐड कर सकते हैं। अब आ जाते हैं एनिमेशन पर, यहाँ पर आप प्रीव्यू करके देख सकते हैं। इस बटन से, इस हेल्प से आप कस्टम एनिमेशन लगा सकते हैं। और ये ट्रांजिशन इफेक्ट, यहाँ पर बहुत सारे ट्रांजिशन इफेक्ट देख सकते हैं, जैसे कि ये मैंने क्लिक किया तो यही इफेक्ट लगी। तो आप इस इफेक्ट की हेल्प से आप इजीली स्लाइड को और भी इफेक्टिव इन प्रेजेंटेशन प्रेजेंट कर सकते हैं। तो आपको जो स्लाइड पसंद आती है इफेक्ट, वो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लें। अब बात आ जाती है स्लाइड शो पर, यहाँ से आप बिगनिंग से शुरू करेंगे, जो सिलेक्ट किए ये वो वहाँ से प्ले होगा। अगर ये बटन आप दबाएंगे, ये कस्टम स्लाइड शो, यहाँ पे आप कस्टमाइज़ कर सकते हो। ये देखिए सेटअप शो, यहाँ पे आप सेटअप तैयार कर सकते हो। ये देखिए बहुत से पेन कलर, यहाँ पर आप इसकी सेटिंग करके मैनुअल टाइमिंग या ऑटोमेटिक यहाँ पे आप सेटिंग कर सकते हो। रिहर्स टाइमिंग, यानी कि जो आपकी टाइमिंग, ये देखिए स्टार्ट फुल स्क्रीन स्लाइड शो इन विच यू कैन रिहर्स प्रेजेंटेशन। और यहाँ पर आप स्पीकर के नोट्स लिख सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पर, ये देखिए नोट्स का टैब खुल गया, यहाँ पर आप नोट्स को बनाकर इजीली स्लाइड में ऐड कर सकते हो, जिससे आपको पता लग जाए कि आप स्लाइड में क्या लिखा है। यह स्लाइड ट्रांजिशन, तो अब ये स्लाइड शो टैब का ऑल फीचर। तो अब आ जाते हैं अगले फीचर में, यानी रिव्यू पर। हम कैसे रिव्यू इसमें है, सबसे पहले स्पेल, यानी कि आप स्पेल चेक भी कर सकते हैं कि कोई वर्डिंग गलत है या नहीं, कोई वर्ड गलत लिखा है या नहीं। उसके अलावा अगर आप चाहें तो इसको, ये देखिए बहुत सी लैंग्वेज है जो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। ये देखिए सेट लैंग्वेज, यहाँ से सेट करके ईज़िली उसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। सो ये था रिव्यू टैब। अब अगले फीचर है यानी व्यू टैब। व्यू यानी कि जो स्लाइड दिखती है उसका व्यू कैसे चेंज करते हैं। सो ये नॉर्मल व्यू, क्योंकि नॉर्मल पे सिलेक्ट है। अब मैं स्लाइड शॉर्ट रिव्यू दिखा देता हूँ आपको। ये स्लाइड शॉर्ट रिव्यू, अगर मैं नोट्स पेज, ये देखिए ये ऐसे दिखेगा। रीडिंग व्यू पर इसकी कुछ ऐसे ही ये स्लाइड शुरू हो जाएगी। तो मैं इसको अभी के लिए बंद कर देता हूँ और नॉर्मल व्यू पर क्लिक करके आप दिखा। स्लाइड मास्टर मैंने पहले बता दिया, हैंड आउट मास्टर ये दूसरा स्लाइड शो है, ये नोट मास्टर है, इसकी हेल्प से आप इजीली नोट देख सकते हैं। ये स्लाइड मास्टर, ये देखिए नोट मास्टर, ये स्लाइड मास्टर का ही एक पार्ट है। तो मैं इसको अभी के लिए बंद कर देता हूँ ताकि आपको अगले फीचर दिखा सकूँ। ये ग्रिड एंड गाइड रूल्स, यहाँ पे आप स्पेसिंग सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपको कौन सी कितनी स्पेस चाहिए किसी चीज़, कोई वर्डिंग आप टाइप कर सकते हैं। तो उसमें जैसे ये हर चीज़ में जैसे डिफरेंट होता है, जैसे कि आप कोई चीज़ वर्ड टाइप करते हैं तो कई बार बहुत ज़्यादा टाइट हो जाता है तो अच्छा नहीं लगता। तो यहाँ पर आप उसमें डिफरेंस का लेवल, यानी सेंटीमीटर कितना दूर हो, वो सिलेक्ट कर सकते हैं। ये रूलर, इसकी हेल्प से आप रूलर्स देख सकते हैं। ये व्यू ग्रिड लाइन, ये ग्रिड लाइन शो करेगा। अब ये जूम, जूम के बारे में मैंने पिछली वीडियो में बता दिया था, जो कि यहाँ पर पहले से ही दिया हुआ है, यहाँ पर आप इजीली कर सकते हैं। यहाँ फिट टू विंडो, जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा ये फिट हो जाएगा विंडो पर। ये अरेंजमेंट के लिए वर्टिकल अरेंज करना कर सकते हैं हॉरिजॉन्टल। और ये न्यू विंडो, न्यू विंडो के हेल्प से आप को, ये देखिए न्यू विंडो खुल गई है, ये दूसरी विंडो है, ये दूसरी। सो इसी के हेल्प से आप एक जो स्लाइड आपने बनाई हुई है उन सबको न्यू विंडो में कॉपी करके इजीली सेव कर सकते हैं। ये डेवलपर ऑप्शन, यहाँ पर और भी ऑप्शन दिए हुए, ये मैक्रोज है वो अभी शो नहीं कर रहा। ये स्पेशल फीचर इसके, यहाँ से आप ओपन क्लाउड में सेव कर, यहाँ पर आप क्लाउड से आप कोई भी डॉक्यूमेंट ओपन कर सकते हैं, यहाँ पर सेव कर सकते हैं। क्लाउड आपको पता ही है, जो एक्स्ट्रा स्पेस
दी जाती है गूगल की तरफ से। ये फाइल रोमिंग है, ये आपको क्लाउड के लिंक बनाएगा, ये एक्सपोर्ट टू पीडीएफ जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था, आप वीडियो में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, इमेज में भी, डॉक्यूमेंट में भी, और ये बहुत से दूसरे एक्स्ट्रा टूल्स। सो ये थे इसके WPS ऑफिस के फीचर्स। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। कल मैं अगली जो मैं वीडियो बनाऊंगा वो उसमें मैं आपको इसके फुल फीचर इस्तेमाल करके भी दिखाऊंगा और आपके सामने एक सिंपल प्रेजेंटेशन भी तैयार करके दिखाऊंगा लाइव।